वहीं गुरुग्राम एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल टीम ने पूर्व नियोजित सुनियोजित तरीके से एक कार्रवाई करते हुए नामी अपराधी संपत नेहरा को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये कामयाबी आईजी सौरभ सिंह और टीआईजी सतीश पालन के नेतृत्व वाली एसटीएफ टीम को मिली है। शिकंजे में आया अपराधी संपत लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर माना जाता है और संपत नेहरा के खिलाफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हुई कई वारदातों में मामले दर्ज हैं। आतंक का पर्याय बन चुके संपत का मुख्य पेशा करोड़ों रुपए लेकर हत्या करना था। हैदराबाद से संपत नेहरा जो लगभग 2 लाख का रिवार्डेड क्रिमिनल था, 1 लाख का हरियाणा से क्रिमिनल था, 50,000 राजस्थान से भी था, 50,000 ये पंजाब का भी रिवार्ड था। ये एक इस एरिया में बड़ा प्रोमिनेंट था गैंगस्टर, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स में इसके खिलाफ वारदातें थे एंड बिल्कुल ये बिना कोई हेजिटेशन के डर के ये वारदातें करते। और हमारे संवाददाता सतीश राघव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, सुनियोजित तरीके से पूरी ये प्लानिंग की गई थी, इनपुट्स लगातार मिल रहे थे क्या? जी सतीश, मेरी आवाज पहुंच रही है? सतीश, मुझे सुन पा रहे हो? जी बिल्कुल। सतीश, क्या जानकारी मिल रही थी, लगातार इनपुट्स मिल रहे थे जिसके आधार पर कार्रवाई की गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एसआईटी की कार्रवाई ने टीम ने कार्रवाई करते हुए हैदराबाद से इस्लामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर लूट, डकैती, हत्या के काफी मुकदमे दर्ज है और इसका एक पेशा था कि पैसे लेके हत्या करना, जो कि मोटी रकम लेके हत्या करता था, इस तरीके का काफी मामलों में वांछित था, जिसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश इस जानकारी के लिए। तो लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, जानकारी मिल रही थी जिसके आधार पर ये पूरा सुनियोजित तरीके से प्लान तैयार किया गया और उसके बाद ये जो अपराधी है इसको पकड़ा गया है।